आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आरसीएफ कपूरथला में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई। टोटल 400 वैकेंसी है दोस्तों। तो अगर आप आईटीआई के हैं अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, कैसे आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म अप्लाई करना है बिना किसी गलती के, और क्या क्या योग्यता है सभी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आरसीएफ कपूरथला के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, रेल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस कपूरथला 2019-20, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों है यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो अगर आपका इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन हम दिखा देते हैं कि इतनी वैकेंसी है और बाकी सारी डिटेल आपको दिखा देते हैं। सकते इसका नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो चुका है, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 जनवरी 2020 से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी टेबल, चलिए आपको दिखा देता हूँ। इसकी लास्ट डेट की बात करूँ तो 6 फरवरी 2020 रखी गई है लास्ट डेट दोस्तों। तो यहाँ पर वैकेंसी टेबल देख सकते हैं, टोटल 400 वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी दी गई है। फीटर के लिए यहाँ पर 100 है, वेल्डर के लिए भी 100, मशीनिस्ट के लिए 40 पोस्ट है, पेंटर के लिए 40 है, कारपेंटर के लिए 40 है, मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 56 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 14 पोस्ट हैं और एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए 20 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर यहां पर 400 पोस्टें दी गई। तो दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाए, कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों। और बाकी नोटिफिकेशन आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। चलिए इस वीडियो में बात करूंगा कैसे अप्लाई करना है, इसलिए मैं अप्लाई करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। करने के लिए फिर से आपकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो चलिए इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार का। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखाई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट की बात करें तो 6 फरवरी 2020 रखी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट फीस पेमेंट की बात करो तो 11 फरवरी 2020 रखी गई है। दोस्तों यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए केवल 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी है, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई। तो यहां पर आपको नीचे चले आना है और यहां पर आपको यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो लेकिन आप न्यू यूजर हैं तो सबसे पहले यहां पर यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले लॉगिन नेम इंटर करना है, फिर कैंडिडेट नेम इंटर करना है, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको इंटर करना है। तो चलिए इंटर करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक यूजर नेम लॉगिन नेम अपने से यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर आपके सामने शो होगा, अगर ये यूजर नेम किसी ने नहीं लिया होगा तो यहाँ पर होगा दिस यूजर नेम इज अवेलेबल, अगर नहीं तो इसके बाद नॉट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पर एक यूजर नेम आपको अपने से क्रिएट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको कैंडिडेट अपना नेम इंटर कर लेना है, हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सिटी आपको अपने सिटी का नेम इंटर कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करके सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पर सारा डिटेल सेव हो जाएगा। देख सकते हैं आपके सामने ऐसा यहाँ पर इंटरफेस होगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर एंड योर यूजर नेम, आपका यूजर नेम से होगा और पासवर्ड यहाँ पर आपको एक दे दिया जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए इससे इसी का यूज करके आप लॉगिन करते हैं। तो चलिए लॉगिन के पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं क्लिक हियर टू लॉगिन का ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर लॉगिन, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करके गो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर लिया। अब इसके बाद गो पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। तो चलिए सिंपली आपको गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी इंटर करने के लिए आएगा। तो चलिए यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपका यहाँ पर है टू फिल फॉर्म प्लीज क्लिक बेलो लिंक। तो आपको सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर पर जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप इसको एक एक स्टेप बाई स्टेप फिलअप करके आपको दिखा देते हैं बिना गलती के आपको कैसे फिलअप करना है। तो चलिए फिलअप करके आपको दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों बिना गलती के आपको एक एक स्टेप करके बता देता हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस
RCF कपूरथला फार 2020-21 के लिए फार्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नेम इंटर कर लेना हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर लेना दोस्तों। इसके बाद ऐसे ही आपको अपने फादर्स का नेम इंटर कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर लेना है। यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, मेल है या फीमेल है यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, 8/1/2020 से आपका एज काउंट किया जाएगा। कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है SC ST OBC या जनरल जो भी है। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और यहाँ पर अपना डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप फ्रीडम फाइटर है या सर्विस मैन है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नन ऑफ दीज पर सेलेक्ट कर लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th किया, 10th मैट्रिकुलेशन किया है, उसके बाद ITI किया है या इसके अलावा आपने 12th भी किया है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन यहाँ पर होंगे, 10th और 12th, तो दोस्तों मैं 10th सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ जो है 10th किया है। अगर किया है तो यहाँ पर जो है आपको यस करना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ पर केवल जो है इलेक्ट्रिकल AC एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए है, यहाँ पर यस करना कंपलसरी है दोस्तों कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप नीचे चले आएंगे और यहाँ पर आपको डिटेल देना है, मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से किया है, 10th आपने कहाँ से किया, पंजाब से किया है या अदर स्टेट से किया है। तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा पंजाब और दूसरा अदर का, तो सिंपली आप पंजाब के नहीं तो अदर पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो हाई स्कूल का परसेंटेज मतलब मार्क है वो किस टाइप से मार्क है या CGPA में, तो अगर CGPA में है तो यहाँ पर CGPA सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप मार्क सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों कितना आपने का मैक्सिमम मार्क था इंटर कर लीजिए और कितना आपने अटेंड किया है यहाँ पर इंटर कर लीजिए और परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस प्रकार नीचे आना है, चलिए मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ जूम करके। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना और यहाँ पर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन चूज करना है कि स्टेट में आपने ITI किया है, तो यहाँ पर आपने फीटर में किया है या जो भी किया है यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फीटर में सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम मार्क इन ITI में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे यहाँ पर इंटर कर लीजिए और कितना आपने अटेंड किया है यहाँ पर इंटर कर लीजिए, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट आपका जो ITI का इंस्टीट्यूट था वो कहाँ पंजाब में था या अदर में था, तो यहाँ पर पंजाब से है तो पंजाब में रहेगा, नहीं तो अदर पे आप सबको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका कोई रिलेटिव जो है कोई आपका रिलेटिव अगर RCF में एम्प्लॉई है तो यहाँ पर यस करके उसका डिटेल दे दीजिए, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉई एक्सचेंज नंबर, अगर आप जो है रोजगार पंजीयन क्रमांक में रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर सकते हैं और किस स्टेट से हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, स्टार नहीं लगा है, अगर आप रजिस्टर हैं तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चला जाना और यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको हाउस नंबर, यहाँ पर स्ट्रीट मतलब गली और यहाँ पर विलेज आपको इंटर करना है। इसके बाद तहसील का नेम इंटर करना है और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड इंटर कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपको नीचे चले आना है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी इंटर कर देनी फिर से। इसके बाद दोस्तों दो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन कट ऑफ मार्क आपको इंटर करने हैं, दो जो है जो कि परमानेंट होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पर दो आपको इंटर कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन पर आपको टिक मार्क कर देना है और इसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटो की मैं साइज बता दूँ, यहाँ से जो है फोटो जो है हमारा होगा जो है 20 KB से 70 KB के बीच में होगा दोस्तों, 20 KB से 70 KB के बीच में आपका फोटो होगा दोस्तों और JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर की बात करो तो सिग्नेचर हमारा 10 से 30 KB के बीच में होगा, 10 से 30 KB के बीच में होगा सिग्नेचर। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर कर लेना है। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है या सेव ड्राफ्ट पर कर सकते हैं। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट पर डायरेक्ट क्लिक करूँगा दोस्तों। मैं बता दूं फाइनल सबमिट करने पर आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एम्प्लॉई एक्सचेंज नंबर इंटर करना भी जरूरी है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले जाकर अपने जो है अपने स्टेट के जो है रोजगार पंजीयन क्रम में जो है रोजगार पंजीयन क्रम में जाकर रजिस्ट्रेशन करना और वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यहाँ पर इंटर कर लेना। अगर रजिस्टर पहले से तो कोई बात नहीं, आप आराम से इंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्टेट कर लेना है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तो UP सेवा योजना की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेना है और
एंटर कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर नीचे आना है आपको दोस्तों। अब इसके बाद जो है आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए अब इसके बाद फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आ जाएगा कि आपको रिकमेंडेड किया जा रहा है कि पहले आप प्रीव्यू कर ले अपना डाटा को, अगर सब ओके है तभी सबमिट करें। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मेरा सब ओके, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो आप श्योर हैं तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा योर फार्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली थैंक यू। इसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दे दिया गया केयरफुली एज इट इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा स्टेटस भी आपका शो होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, मैंने पहले ही बता दिया था अगर आप जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट होंगे तो इसके बाद आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी 100 रुपये की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो रहा है फार्म कंप्लीटेड एंड सबमिटेड, तो यहाँ पर फार्म आपका कंप्लीट हो चुका है और सबमिट हो चुका है। तो चलिए अब दिखा देता हूँ कैसे आपको प्रिंट करना है फार्म को। तो दोस्तों फार्म को अपने प्रिंट करने के लिए अगर आप जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट हो तो 100 रुपये की फीस पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आएगा, और अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके सामने डायरेक्ट यही भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या जो है आपको अपनी ये ईमेल आईडी इंटर करके यहाँ पर शो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं नीचे जो है इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और नेम शो होगा, फादर्स नेम शो होगा, और इसके जो है यहाँ पर राइट साइड में सबसे लास्ट में आपको शो होगा व्यू प्रिंट क्लिक हियर। तो अगर आपको यहां से प्रिंट करने के लिए इस पर सिंपली क्लिक कर देना है तो चलिए इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि प्रिंटेड है, यहां पर कंप्लीटेड जो है यहां पर देख सकते हैं सारा डिटेल जो अभी आपने फिलअप किया सारा डिटेल्स होगा यहां पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपको यहां से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या प्रिंट कराकर इसको निकालकर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार बड़े आसानी से आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि यहां पर बहुत सारी अप्रेंटिस की वैकेंसी रेलवे में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में भी अप्रेंटिस आई है SCR और WR में दोस्तों। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वहां से जाकर आप वो वाला वीडियो देखकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक दोस्तों। तो दोस्तों वो भी वीडियो अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते बिना गलती के तो जाकर देख लीजिए दोस्तों। इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन की आवश्यकता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के बुक फ्री में मिल जाएंगे और डेली न्यूज़पेपर मैगजीन भी फ्री में मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।